गाइस, तो आज के 30 तारीख है, तो हमें यकीन था कि आज रात बर्फबारी होगी। तो हम फर्स्ट टाइम हमने प्लान बनाया हुआ था कि हम इंशाल्लाह हम आप लोगों को गिलगित का एक खूबसूरत व्यू भी दिखाएंगे और साथ एक छोटा सा जो ब्लॉग है वो भी आपको क्लियर करके दिखाएंगे। तो इस वक्त छब्बर हम किधर आए हैं? हम पहुंचे भाई जो जुटियाल साइड से, जो जुटियाल से बर्मास का जो ट्रैक है गिलगित का, हाँ स्पेशली यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ से जो पूरे गिलगित का जो व्यू है नीचे, हाँ वो आपको सही व्यू आएगा। बर्फबारी जो होती है वो इस तरह ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। बहुत वक्त यकीन माने इतना खूबसूरत व्यू के पास आया हूँ मैं। ये देखे ये बच्चे भी इधर खेलने, बर्फबारी इंजॉय करने आए हुए हैं। ट्रैक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम आगे जाएंगे तो गिलगित का जो व्यू है वो हम आपको शेयर करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू। इस वक्त बर्फबारी भी हो रही है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी इस वक्त। इधर एक तो ये हाइट पे होने की वजह से नीचे शहर की नस्बत यहाँ पे अभी तक बर्फबारी हो रही है। जब हम वो नीचे थे तो उधर हमने सोचा कि ऊपर इस वक्त सब जो हमें व्यू देखने को मिलेगा वो हमें नीचे से मिलेगा ऊपर जाके। ये देखें आप, इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं हम गिलगित के नीचे। पूरा गिलगित सिटी डूबा हुआ है धुंध और बर्फबारी से। हाय 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 हाय, ओए होए 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 होए। तो सो गाइस, तो हमारा जो मुगली शिकारी ताज मुगल शिकारी भी जिसे कहा जाता है, उसकी तरफ अभी हमारा ट्रैकिंग, मैं और शब्बर का भी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहली दफ़ा आ रहे हैं ट्रैकिंग की तरफ यहाँ से ऊपर? यहाँ से ऊपर इस जो नया ट्रैक बना है इस पर पहली दफ़ा आ रहा हूँ। हाँ, पहले बहुत ही डेंजर रोड था इधर ऊपर, खुद हाइकिंग करके जाना पड़ रहा था। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पाथ वगैरह बना के, इजीली हम अपने जो पुरानी जो यादगार चीज़ें हैं उसको एंजॉय करने जा रहे हैं। ये ऊपर देखें, ताज मुगल शिकारी गिलगित, इसमें हम इंटर होने जा रहे हैं। इस ट्रैक पे गर्मियों में आए तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं किधर जा रहे हैं, लेकिन आज स्नो की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत नज़ीर वादी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बना है, खासकर जब आप बर्फबारी में ट्रैक कर रहे हो। क्यों शब्बर? हाँ जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शब्बर खान। शब्बर खान तो बस होए। शब्बर, थकावट हो गई है? बहुत स्टीफ है यार, बहुत स्टीफ है। अच्छा, ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह है, इस तरह। हाँ, आप आखिरी वाला जो, जब आखिरी ये वाली चढ़ाई जो है वो ये बहुत थोड़ी सख्त ट्रैकिंग वाली है। यहाँ पे थोड़ा सांस ज़्यादा फूल रहा है, बाकी नॉर्मल है। तकरीबन 5 मिनट की हमने ट्रैकिंग की है, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। सो फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ, मंजिल के पास पहुँच ही गए। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत सा व्यू, ताज मुगल शिकारी। ये हमारे साथ इतफाक समझे या हमारी खुशनसीबी समझे कि हमारा जो फर्स्ट जो ट्रैकिंग थी वो इतने खूबसूरत मौसम में हुई है, स्नो फॉलिंग में। वैसे आप अगर गर्मियों में आना चाहे तो इसका ट्रैक देख के आप बहुत ही बोर होंगे,
और थकावट भी होगी, लेकिन हमारे साथ ज़रा भी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हमारे आँखों के सामने थे कि जो हम आपको बयान नहीं कर सकते। सो गाइस, तो इस वक्त हम मौजूद हैं ताज मुगल शिकारी। तो तकरीबन 10 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आज का ब्लॉग जो है वो यहाँ तक हम इन करते हैं यहाँ तक। हमारी खुशनसीबी समझे कि हमें इतने खूबसूरत व्यू में हमें ये ट्रैकिंग करने को मौका मिला, हमें ये नसीब हो हुआ हाँ। है कि आज हम व्लॉग बनाना हमें नसीब हो गया। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज गिलगित में 2022 हाँ। काफ़ी टाइम के बाद 2022 में के आखिर में बर्फबारी हुई है, तो आप इंजॉय करें हाँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम आपको किसी नए अनएक्सप्लोर जगह पे लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।